हे गाइज, वेलकम टू टाइनी सिक्स। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, काफ़ी टाइम पहले से आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी कि कैसे आप ZTE राउटर में सेटिंग्स में जाने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड जो एंटर करते हैं कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जितने लोग अभी चैनल की वीडियो को देखते हैं उनमें से सिर्फ 1.2% लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बाकी 98.8% लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी और एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसा यूज़र नेम या पासवर्ड रख दिया जो कि आप बाद में भूल गए हैं और आपको लॉगिन करने में इशू आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने राउटर की सेटिंग्स को जो है रीसेट कर सकते हैं। और रीसेट करने के लिए आपको जो है यहाँ पे राउटर के ऊपर एक रीसेट का बटन दिया होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको जो है इसको 5 से 10 सेकंड तक प्रेस करना होता है और आपके राउटर की सेटिंग्स जो है यहाँ पे रीसेट हो जाती है। अगर आपने कोई ऐसा पासवर्ड या यूज़र नेम सेट कर दिया जो कि आप फ्यूचर में भूल गए हैं, तो आप उसको हटा के मतलब पहले वाला आपका जो यूज़र नेम या पासवर्ड होता है वही आपका जो है यहाँ पे वर्क करेगा। तो गाइज, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पीसी के अंदर कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और अगर आप इन सेटिंग्स को अपने फ़ोन से एक्सेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर देना है। उसके बाद जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अपने पीसी में बताने वाला हूँ आपको वही सेम चीज़ें जो है फॉलो करनी है। तो ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो सर्च बार है इसके अंदर आपने टाइप करना है 192.168.1.1। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 192.168.1.1। इसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास ZTE का राउटर है और इसमें आपको जो है दो तरीके मिलते हैं यहाँ पे लॉगिन करने के। सबसे पहला तो है एडमिन, जिसमें यहाँ पे यूज़र नेम में आप एडमिन एंटर करते हो और जो पासवर्ड है इसमें आप डाल दो WCapitalWeb@0063। और इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा तरीका है वो है यहाँ पे यूज़र। तो यहाँ पे आपने यूज़र नेम में भी आपने यूज़र एंटर कर देना है और पासवर्ड में भी आपने यूज़र एंटर कर देना है, तो उसके थ्रू आप जो है इसके अंदर लॉगिन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करना है तो इसके लिए आपको जो है एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़र नेम में एडमिन एंटर करना है। एडमिन एंटर करने के बाद पासवर्ड में आपको एंटर करना है web@0063। तो यहाँ पे जो W है ना वेब का, वो आपने कैपिटल रखना है। तो यहाँ पे WCapitalWeb@0063। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यूज़र मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का पेज आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इसमें लॉगिन करने के लिए, तो सबसे पहला तो है यहाँ पे ये एडमिन है जिसका यूज़र नेम एडमिन है और यहाँ पे आप उसका पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो, और जो दूसरा है यहाँ पे वो है यूज़र। तो सबसे पहले अगर मैं एडमिन की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो यूज़र नेम है एडमिन का वो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, और जो पासवर्ड है एडमिन का वो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आपने एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है तो मैं आपको वो करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो ओल्ड पासवर्ड है यहाँ पे आपने वो एंटर करना है जो कि है web@0063। तो यहाँ पे WCapitalWeb@0063 यहाँ पे आपने एंटर कर दिया। उसके बाद आपको जो है नया पासवर्ड यहाँ पे दो बार एंटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो नया पासवर्ड है वो यहाँ पे मैं आपके सामने एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से एंटर करता हूँ ताकि आपको भी दिख जाए कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने न्यू पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया QWERTY। तो यहाँ पे मैंने जो ओल्ड पासवर्ड है यहाँ पे मैंने पुराना पासवर्ड डाल दिया ओल्ड पासवर्ड के अंदर, न्यू पासवर्ड में मैंने नया डाल दिया, और जो कन्फर्म है इसके अंदर भी मैंने नया एक बार एंटर कर दिया। उसके बाद आपको जो है सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये अटेंशन दिखा रहा है कि आपका पासवर्ड है वो वीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली इसको कंफर्म भी कर देता हूँ। अगर आपने यहाँ पे सेम पासवर्ड एंटर करना है तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। तो यहाँ पे आप देखते हैं ये मॉडिफिकेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद अब आपको जो है दोबारा से इसको लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉग आउट कर दिया। यूज़र नेम में मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड में मैं टाइप करता हूँ QWERTY जो कि मैंने अभी यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया था। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया QWERTY। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा पेज है यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे अब मैं आपको दिखा देता हूँ
जो यूज़र है, यूज़र का आप कैसे यूज़र नेम भी चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर, यूज़र मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि एडमिन का आप सिर्फ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आप इसका यूज़र नेम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यूज़र नेम अगर आपने चेंज करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़र का, जिसमें यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं और कोई भी यहाँ पे यूज़र नेम एंटर कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्निकल 6 यहाँ पे एंटर कर दिया, उसके बाद मैं सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे न्यू पासवर्ड में मैं सेम चीज़ रख देता हूँ और यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड में भी सेम चीज़ रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपली सबमिट पे क्लिक करना है, उसके बाद ये फिर से आपको अटेंशन दे रहा है, इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मॉडिफाइड जो है यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लॉग आउट करके फिर से इसको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो यूज़र नेम भी मैंने अभी जो यहाँ पे टेक्निकल 6 यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने सेम ही चीज़ कॉपी की हुई है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने पेज ओपन हो चुका है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि अगली वीडियो आपको पसंद आई होगी, और गाइज अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।